एक 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 छोटी सा वाक्य बताना चाहूंगा मैं आप सभी को। जो 27 तारीख के बाद यहाँ आंदोलन में जो स्थिति मैंने देखी थी और उसके दो दिन बाद जो फिलहाल की स्थिति है वो ये है कि मोदी जी के पास हम जाते थे वार्ता करने के लिए, अब हम उसे खुद बुलाएंगे यहाँ बात करने के लिए। दिवाली मनानी है, दिवाली मनानी है तो पटाखे मंगा लो मोदी जी। एक छोटा सा बच्चा कहता है दिवाली मनानी है तो पटाखे मंगा लो, किसी का घर जला करके दिवाली नहीं मनाई जाती। आज देखो होर आगे ने, होर हरियाणा दे आगे ने, एक नौजवान देखो, नौजवान जो है सारे इकट्ठे हो रहे थे। जी जी, जय जवान जय किसान। खाली हो गया जी, ये हो गया काजू पर पे लाखों की संख्या किसानों की, और खाली तो ये तब होगा जब एक किसान विरोधी बिल बदल जाएगा ना, रद्द हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होते तब तक ये वापिस ये खाली नहीं होगा। और अब ये कसम खाली है बिल्कुल किसानों ने, देश के किसानों ने, ये आर पार की लड़ाई है। मोदी जी साफ साफ सुन लें कि आप जो है इस बिल को किसानों के सम्मान में देखते हुए तुरंत रद्द कर दें बिना विलंब किए हुए। अब समय है मोदी जी आपके पास में किसानों की दोबारा से हमदर्दी और सिंपैथी दिखाने की। मोदी कह रहे हैं या मोदी सरकार कह रही है भी सारे खालिस्तान आतंकवादी उग्रवादी सारे इकट्ठे हुए थे। देखिए कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, सब भाई हैं। हिंदुस्तान में हमेशा भाईचारा कायम है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, वेशभूषा जात पात चाहे अनेक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। जिंदाबाद। सिख हमारे भाई हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं, सभी इस मिट्टी पे इस भारत माता में जन्म लिए सभी ने, और सभी ने अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दी है। और फिर एक बार इस किसान विरोधी बिल को बदनवाने के लिए अब तक कम से कम 170 किसान शहादत दे चुके हैं मोदी जी, और आप इनको जात में धर्म में बिरादरी में मजहब में मत बांटिए। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और आप कहते हैं मेरा पूरा देश मेरा परिवार है, और जब आप पूरे देश को परिवार मानते हैं तो सबको अपना परिवार मानिए, सबको अपना भाई मानिए, सबको भारत माता के वासी मानिए। इसलिए मोदी जी मैं आपको एक सीधा सीधा संदेश देता हूँ, मोदी जी साफ साफ संदेश है आपको कि देखिए अगर आपको इस देश की कुर्सी पे बना रहना है तो सीधा सीधा बात है कि किसान का घर जला करके ये किसान की मट्टी की काट करके ये किसान को बर्बाद करके आप इस देश की सत्ता में दोबारा नहीं बनेंगे। दोबारा आपने आपको किसान ने बना दिया, ये सीधा सीधा संदेश है। इस देश के धोले वाले किसान ने बना दिया, सीधा साधे किसान ने बना दिया, शीर्ष पर बैठा दिया, देश की सत्ता में आपको बैठाया। आपने इतने सारे वादे किए किसानों से कि किसान आयोग का गठन होगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, 2006 से वो लंबित पड़ी हुई है। आपकी सरकार आने के बाद में आपने किसान आयोग के गठन के लिए बात कही थी, आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा था, आपने किसान की आय दुगनी करने के बारे में बात की थी, आपने सबको रोजगार देने का नौजवानों को वादा किया था। वो आपके सारे वादे कहाँ चले गए, कहाँ ये खोखले वादे, खोखले वादे आप केवल झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, और आपके भाजपा के नेता और आप सबसे ज्यादा भ्रमवाद में और इसमें विश्वास करते हैं। इसीलिए अब ये देश का भोला वाला किसान, देश के सम्मानित नागरिक अब आपके झांसे में आने वाले नहीं है। आप इन कुछ करके दिखाइए, आप अगर कुछ कुछ करके दिखाते हैं तभी आपको दोबारा कहीं देश में कोई सम्मान मिलेगा। वोट